सारा सामान सेट हो रहा है। हाँ, और शीट में एक्स्ट्रा लेकर आई थी, तीन पड़ी। कुछ गेस्ट यहाँ आ जाएंगे। यहाँ मिर्ची है और लस्सी भी है। बेचारा इससे बैठे रहते हैं शांत एकदम। 2015 का है। शांति पकड़ के लाइयो जिम्मी को। देखो ध्यान से बेटा, घर का साफ सफाई सारी होगी। सही देखो कलर भी कितना अच्छा आया है। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। होना तेरी गल्ला चावे एक और एक तीन गाबरू, जिम का शौकीन गाबरू। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी जो है व्लॉग शुरू हो रहा है घर पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल रात को बहुत अच्छी नींद पूरी हुई सबके साथ में। चीकू, गोलू, मैं, चीकू के पापा, सबने अच्छे से नींद पूरी करी। तो अभी जो है अनुहान जी ने नहा धो के पूजा कर ली, अब जा रहे हैं जिम। इन्होंने अपनी डाइट भी ले ली है और हम अपनी डाइट ले रहे हैं। गोलू, मैं नीचे जा रही हूँ, जितना सामान मैं ले गई थी टेडी बेयर वगैरह चीकू के, अब वो काम आ जाएंगे ना चीकू के, तो मैं वो वॉश के लिए ड्रेकिंग वाले भैया है उनको देने जा रही हूँ। और नीचे चला जा। तो अभी जो है ना राहुल ने सामान एज इट इज ही रख दिया था, उसने कोई खोला वोला नहीं है, तो मैंने ड्रेकिंग वाले भैया को भेज दिया वापस। मैंने बोला भैया अभी थोड़ी देर बाद ना मैं इसको खोल लेती हूँ, फिर आपको बुलाती हूँ, फिर आना, क्योंकि ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना। तो यहाँ पर ना कल जो सामान लेकर आई थी ना, मैं सारा सामान ना सेट कर रहे, क्योंकि कल रात को काफी लेट हो गया था सामान सेट करने में, सारा सामान सेट हो रहा है। तो ये बहुत सारी बिस्किट लेकर आई थी मैं, क्योंकि घर पे बेबी शावर है, गेस्ट आएंगे तो बिस्किट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, साथ साथ रस भी ले आई थी। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे दवाई का टाइम आ गया। पायल एक ना कमेंट आया था कि कृतिका मैम अपने कोलगेट के पाउच का इतना ऐड कर दिया कि कोलगेट वालों को ना आप लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। हम लोग ऐड कर रहे हैं उनका, बेबी शॉवर पे बुला रहे थे इनको, कोलगेट की वो ले आएंगे, किट ले आएंगे। हाँ, गिफ्ट में ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारे अपनी ना जो गेस्ट लिस्ट है ना वो स्टार्ट कर दी है, और गेस्ट लिस्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ना सबको रिमाइंड कराना है बेबी शावर का, तो ऐसा ना कि कोई बंदा रह जाए। तो गेस्ट लिस्ट करके ना फिर सब पे टिक करते रहेंगे कि हमने किस किस को इन्विटेशन भेज दी है, और जो जो याद है वो अभी पायल लिख रही है। तो यहाँ पर ना मैंने एप्पल भी कटवा लिया। खाएगी पायल एप्पल? ऐसे पायल को एप्पल पसंद नहीं। मैं तेरे लिए वो लेकर आई हूँ, दिखाई नहीं ना शलगम। शलगम ठंडी है, उन्होंने खांसी है ना। तो आज लंच में बनाए हैं, बहुत ही सुंदर से देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आलू गोभी, और साथ में ना पास्ता रखा हुआ था तो मैंने पास्ता थोड़ा सा उबाल दिया, ये दोपहर में बनाएंगे। तो अभी मैंने ले लिए विम बार, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नीचे, और नीचे जाके जो भी कल बर्तन आए थे ना सारे बर्तन मैं पहले निकालूंगी, जहाँ पे वॉशिंग एरिया है ना हमारा, जहाँ वॉशिंग मशीन लगती है वहाँ रखेंगे सारे बर्तन, वहीं धोएंगे, क्योंकि हमने जो किचन है वो किचन तो पूरा क्लीन करवा लिया था। क्लीन उसमें शीट भी लगानी है ना। और शीट में एक्स्ट्रा लेकर आई थी, तीन पड़ी है, मैं पांच लेकर आई थी। तो पांच में से दो शीट तो मैंने दीवाने में जाती, तीन पड़ी है, और पता सेम मैचिंग लेके आई हूँ, पहले की थी वही सेम। अपने पास सिल्वर कलर की भी रखी है अभी, कुछ कहीं और रखी है। तो यहाँ पे ना सारा का सारा सामान खोल दिया, जितना भी सामान दिल्ली से आया था तो गटरी बंद के ऊपर चला गया, यहाँ पे भी सब सामान फैला हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेज करनी है। पर बर्तन का सारे अभी निकले, आधे अभी निकले गए और ये भी अभी बंद है, सब खोलना है। तो यहाँ पर ना पायल झाड़ू लगा रही है, क्योंकि जो गाइस ये वाला जो रूम है ना ये भी सेट होगा पूरा का पूरा, क्योंकि नितिन भैया का स्टूडियो जो है ना हम सोच रहे बेबी शावर के बाद ही बनवाई, इस रूम में बहुत सारे गेस्ट आ जाएंगे, क्योंकि काफी सारे गेस्ट जो आ रहे हैं, तो यहाँ पे गद्दे लग जाएंगे, जो गेस्ट है यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगी। बाकी एक ये रूम भी है, कुछ गेस्ट यहाँ आ जाएंगे, एक ये रूम भी पूरा सेट है, कुछ गेस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस रूम के लिए बेड नहीं है ना, तो यहाँ पे गद्दे आ जाएंगे सारे। तो ये वाले जो गद्दे ना हमारे दिल्ली वाले घर के गद्दे है, तो पायल ये भी ले आई है, साथ ही साथ ना बहुत सारे गद्दे और भी लेकर आई है, ये रखे तो ये सब लग जाएंगे। गाइस हम लोगों को ना काम करते करते भूख लगी है, तो हमने क्या किया, हमने यहीं पे खाना मंगवा लिया है, और खाने में है करेला जो की कल की सब्जी है, आलू गोभी तो मैंने पूरी खा ली थी आज बनी है, ये चटनी लक्ष्य ने सब्जी के मसाले से निकाली थी, यहाँ मिर्ची है और लस्सी भी है। हम लोग यहाँ पे बैठ पा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा नीचे का फ्लोर है, ऊपर फ्लोर पे क्या बहुत हवा चलती है ना, बैठ नहीं पाते, यहाँ सही है, धूप लग रही है सही बढ़िया। अच्छा पायल एक बात बता, सच बताइयो, घर पे जितने खाने में संतुष्टि मिलती है बाहर तुम इतना खा पाते हो? नहीं ना। और तू ये मानेगी, तू नहीं थी ना बिल्कुल, मेरा भी मन नहीं कर रहा था खाने खाने का, मैं भी ऐसे खा रही थी बस। तेरा खाना हो गया गाइस, गोलू अभी भी लगी हुई है क्योंकि गोलू चीकू को भी खाना खिला रही थी, चीकू को खिला के फिर उसने अपना पेट भरा है। तो लस्सी बहुत टेस्टी थी, हमने लस्सी खत्म कर दी। हाँ जी बच्चे, मेरे को एंड में लस्सी पीनी थी। तेरे को तो दी थी ग्लास में, तेरी थोड़ी पी है मैंने। मम्मी सुनो, जिराफा मुझे दे दो, मुझे बैठना है अभी के अभी। अभी के अभी निकालूं? हाँ। बेटा ये आपने नौकरानी कहीं से लेके आए हो? तो गाइज आज ना मुझे आते ही ठंड लग रही थी, तो मैंने सॉक्स पहनी हुई है, क्योंकि दिल्ली में ना गुड़गांव दिल्ली में ठंड नहीं है, पर यहाँ पे चंडीगढ़ में ठंड है, इसलिए मैंने आते ही सॉक्स पहन ली थी, मुझे ठंड लगने लग गई थी। तो खाना वाना तो सबका हो गया डन, एकदम अच्छे से पेट भर गया है। और ना गाइज ये वाला जो रूम है ना पूरा सेट कर दिया था हमने, यहाँ पे भी गद्दा बिछा दिया, चादर बिछा दी, इधर की भी चादर बिछा देंगे, और ये वाले जो टॉयज है ना सारे ड्राई क्लीन होने, पर चीकू भी मान नहीं रहा तो खेल रहा है। तो ये जो साफा है ना, ये चीकू के पापा की पहली शादी नहीं, दूसरी शादी, जो गोलू के साथ पहली शादी हुई थी उसके साथ नहीं, गोलू के साथ दूसरी शादी हुई थी, पहली शादी कोर्ट मैरिज थी, दूसरी शादी ग्रैंड मैरिज थी,
जैसे फाइल नहीं करी पहले कोर्ट मैरिज फिर ग्रैंड मैरिज, तो ये गाइस गोलू की दूसरी शादी का है। तो ये जो सिलेंडर है ना ये नीचे हलवाई को देने हैं, तो ये मैं भरवा रही हूँ। भैया भरवा के वहीं से साफ करवा के ले आना, गंदे हो रहे हैं। ये जो लड़का है ना हमेशा बेचारा इससे बैठा रहता है शांत एकदम। जीमी इसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो फाइल ना भी पुरानी फाइल देख रही थी, तो पुरानी फाइल में ना मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला। तो गाइस ये जो है ना ये है चीकू का, पायल के पेट में चीकू था, तो 38 वीक्स प्रेगनेंट थी पायल। और चीकू का अल्ट्रासाउंड उस टाइम पे ना गाइस ऐसे अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे जैसे अभी होते हैं ना, थोड़े डिफरेंट है। तो ये 2015 का होगा, 2015 का है। हाँ 2016 में हुआ चीकू, तो ये 24/4 का है ना चीकू, 5 को हुआ है, 5 महीने में हुआ है प्रेगनेंसी से सही तो है पहले का है। तो यहाँ पर ना सारे के सारे बर्तन ना धीरे धीरे सूखते रहेंगे, तो चादर बिछा दी है ताकि जो बर्तन है ना आते रहे और सूखते रहे। बर्तनों को करेंगे कल सेट, आज बस धुल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो गाइस जो जिम्मी है ना जिम्मी, ये जब देखो बाहर चला जाता है जैसे गेट खुलता है। शांति पकड़ के लाइयो जिम्मी को, लिफ्ट से नीचे चलेगा कहीं और, इसे पता नहीं है। तो यहाँ पर ना सबकी चाय आ गई है, जो सबसे अलग वाली चाय है ना ये मेरी है, क्योंकि मैं ना फीकी चाय पीती हूँ, अब मैंने चीनी वाली चाय छोड़ दिया काफी टाइम से, तो ये वाली चाय मेरी है। बाकी सबकी आगे पाल कौन किस किस की चाय है। नितिन भैया पियेंगे क्या चीकू चाय पियोगे। तो अभी ना कोई भी सामान ना हम लगवा नहीं रहे, सारी जितनी पेंटिंग्स है ना सारा सामान यहाँ पे रख दी है। और ये वाली जो पेंटिंग है ना गाइस इसका फ्रेम लगवाना था, बाद में होगा सब कुछ, अभी सब रखवा रहे हैं बेड के अंदर। तो ये सारे के सारे जो बर्तन है ना वो हो गए हैं, इतने सारे बर्तन थे, अभी भी ना बहुत सारे बर्तन बचे हैं। मैं दिखाती हूँ चीकू वहाँ पे खेल रहे अपना, चीकू ध्यान से बेटा। तो अभी ना ये इतने सारे बर्तन और भी हैं जो धोने हैं, अभी पायल देख रही है कौन सा बर्तन काम का, जो काम का वो निकाल रही है। और ये सारे के सारे जो टॉयज है ना ये सारे के सारे निकाल दिए, तो ड्रैकलिंग वाले भैया आ रहे हैं उनको बुला रही है, तो जितने भी टॉयज है चीकू के ना सारे ठीक करवा के ड्रैकलिंग करवा लेंगे। ये वाली जो गैस है ना गाइस ये बहुत पुरानी गैस है, हमारी दिल्ली की गैस है, बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी, काफी टाइम से यूज नहीं करती। 10 साल हो गए गैस को, तो पायल ने इसको फुल चमका दिया, पायल 10 साल हो गए हैं। तो गाइस कमर में ना दर्द हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि हम यहाँ पे सुबह मतलब कितने बजे आए थे हम यहाँ पे, 1:30 बजे आए थे और अभी बज रहे 6:30। घर का साफ सफाई सारी होगी, पहले ये सोच रही थी मैं अरे इतना सारा सामान ले तो आई, इसको लगाएंगे कैसे। अब ये समझ में आ गया कि सारा सामान लग गया, सिर्फ बर्तन जो है ना जो बर्तन धुले वो सेट करने हैं, वो करेंगे हम कल ऐसा करेंगे ना, थोड़ा आटा मैगी वैगी चीनी विनी सब डब्बों में डाल के नीचे भी रख देंगे, ताकि कोई जैसे जो यहाँ पे रुकेंगे गैस, जैसे अगर लेट नाइट कभी किसी को भूख लगे तो खा ले, क्योंकि लास्ट टाइम आया था तेरी शादी के टाइम पे, बाहर से ज्यादा अकेले के आ रहे थे, 24/7 जा रहे थे। ये होगी एक किचन पूरी क्लीन, ड्राइंग रूम पूरा क्लीन, ये डाइनिंग टेबल पूरा क्लीन, ये बर्तन जो बाकी के लास्ट के धुले ना हमने यहीं रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा गंदा रह गया यार, चलो वो कल क्लीन करेंगे। ये रूम सब रूम क्लीन हो गए हैं, अच्छे से क्लीन कर दिए हैं सारे रूम, जो जितने बर्तन वहाँ पे रखे थे वो सारे बर्तन वहाँ पे है, बाकी क्योंकि यहाँ पे गीला हो जाता इसलिए मैंने सारे बर्तन यहाँ नहीं लेके आई। तो यहाँ पे जो है अब लाइटें बंद करके हम लोग जा रहे हैं ऊपर और जाके चाय पियेंगे, थक गए हैं। तो मेरी चाय हो गई है और गोलू गई है चीकू को नहलाने, वो नहला देती है, उसके बाद मैं और गोलू नहा लेंगे, नहाने के बाद ना खाना खा के आज टाइम से सो जाएंगे। कल तो सोते सोते 2 बज गए थे, क्योंकि रास्ते में आते आते 1 बज गया था घर, फिर 1 घंटा हम लोग सारे बैठे बात बात की, इन्होंने थोड़ा सा एक रोटी खाई शायद, सूरज भैया ने रोटी खाई, फिर जाके हम लोग सोए। तो यहाँ पर ना मेरी शाम की पूजा भी हो गई है। तो ऊपर से आने के बाद ना सबसे पहले मैंने चीकू को शावर दिया, चीकू को शावर देने के बाद मैंने खुद शावर लिया, पूजा करी है और साथ ही साथ ना पायल भी गई है शावर लेने के लिए। और बस कल चीकू को मॉर्निंग में स्कूल जाना है, तो उसको भी बस अब डिनर करा के सुलाऊंगी टाइम से, क्योंकि क्या है कि कल रात को ना वो 9 बजे सो गया था, सुबह उठता है ना तो बिल्कुल फ्रेश मूड से जाता है, कम से कम 10-11 घंटे की जो नींद है ना बच्चे की पूरी हो जाए ना तो बच्चा पूरा दिन एक्टिव रहता है। फिर तो मेरा भी शावर हो चुका था, थोड़ी देर मैं भी मंदिर में बैठ गई हूँ, क्योंकि मंदिर में बैठने से थोड़ा सा सुकून मिलता है। गोलू ने पूजा तो कर ही दी थी, पूजा तो हो गई थी, फिर भी मैं मंदिर में थोड़ी देर आके बैठी हूँ। तो ये जो गमला है ना ये हम तुलसी जी के लिए लाए थे, बहुत ही शौक से वहाँ दिखा था हमने ना ये ले लिया था, इसके नीचे का एक पूरा स्टैंड होगा वो अलग से लेना होगा मुझे। तो लगवाने गए थे, भेजा था मैंने उस दिन, मैंने नहीं गोलू ने भेजा था राहुल को तुलसी जी लगवाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि तुलसी जी ना मार्च में आएगी तो मार्च में लगेगी इसमें। तो गाइस डिनर तो हमारा सबका हो चुका है, सिर्फ हनुमान जी ने नहीं खाया, बाकी मैंने चीकू ने गोलू ने सबने खाना खा लिया। अभी बस एक प्रैंक शूट कर रहे हैं, वो प्रैंक शूट करने के बाद फिर हम दवाई वगैरह खा के दूध वूध पी के सोएंगे। और आज डिनर में बनी थी पालक पनीर, डिलीशियस सी, देखो कलर भी कितना अच्छा आया है, तो टेस्टी भी दिखाने में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ना मैंने केसर का दूध बना दिया है, लेकिन ये ना केसर का दूध गोलू ने जिस दिन बनाया था ना वो गलत बनाया था, तो मैंने अच्छे से उबाल के से बना दिया है, अब ये ठंडा होगा तब इसे मैं और गोलू पी लूंगी। और अभी पूरा जो किचन है वो क्लीन कर दिया है, सारा सामान रख दिया है, अब हम लोग जाएंगे सोने। तो मैंने तो दवाई खा ली है और गोलू ने अभी दवाई खाई नहीं है, गोलू यहाँ पे बैठ के दवाई खा रही है, खा ले गोलू दवाई, और दूध ना ठंडा होगा तभी पीना है, अभी दूध गर्म है। ठीक है, तो बस गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, और जाते जाते याद दिला देती हूँ जिसने गाना नहीं सुना है जिम का शौकीन गाबरू, जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड पे गाना भी देख ले और जाते जाते उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय, गुड नाइट।